नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं शिप्रा शुक्ला। मुंबई से सटे मुंब्रा में फिर एक इमारत गिर पड़ी जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हुए हैं। ठाणे नगर निगम ने इस इमारत को पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया था और बिल्डिंग के निवासियों को इस इमारत को खाली करने का नोटिस भी दिया था, लेकिन लोगों ने इमारत को नहीं छोड़ा और ये हादसा हो गया। तहाशा रोते बिलखते इन लोगों को क्या पता था कि एक रात में ही इनकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने शकुंतला नाम की 3 मंजिला इमारत गुरुवार रात 2:10 पर धसने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इमारत के मलबे में दबकर 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महीने की एक बच्ची भी थी। करीब 14 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 14 लोगों को जख्मी हालत में मलबे से बाहर निकाल लिया गया। कुछ लोग निकल के भागने लगे और हम लोग वहां से यहां तक पहुंचने में बिल्डिंग धस चुके थे। बताया जाता है कि शकुंतला इमारत 35 से 40 साल पुरानी थी। इसका निर्माण बाला साहब मात्रे नाम के बिल्डर ने किया था। कुछ दिनों पहले शकुंतला के बगल में बनी एक अवैध इमारत को तोड़ा गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक तब से ये इमारत कमजोर होने लगी थी। ठाणे नगर निगम ने इमारत को खतरनाक घोषित कर सोसाइटी को बिल्डिंग खाली करने का नोटिस दिया था, पर लोगों ने बिल्डिंग खाली नहीं की और ये हादसा हो गया। स्थानीय एमएलए जितेंद्र अवाड़ की शिकायत है कि प्रशासन ने लोगों को रहने का कोई विकल्प नहीं दिया। लोग जाते तो जाते कहां? सही है कि नोटिस दी गई है, लेकिन एक जो प्रश्न यहां पे और पूरे ठाणे शहर में जटिल बनते जा रहा है, ये है कि आप उनको निकालो, लेकिन उनका पर्याय कहीं रहने के जो उनको करवा देना चाहिए, उनको घर देना चाहिए, उनको उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। पिछले 3 महीनों में मुंब्रा इलाके में इमारत गिरने से हुआ ये दूसरा हादसा है। पहले हादसे में करीब 70 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। यहाँ के आम आदमी के पास इन बदहाल इमारतों में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है, जो पूरी तरह गैरकानूनी होते हैं। यदि किस्मत अच्छी रही तो बचे रहेंगे, यदि किस्मत बुरी रही तो भगवान भरोसे जी रहे हैं। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंब्रा आज तक। तो खाली करने का नोटिस तो दे दिया, लेकिन लोग जाएं तो जाएं कहां, सवाल उनके सामने है। हम आपको बता दें कि मुंबई के ठाणे इलाके में और भी कई अवैध इमारतें हैं। बताएंगे आपको पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुंबई मेट्रो।